एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स। आई एम पूजा, होप यू ऑल डूइंग वेल। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि हम अपनी स्किन को कैसे फ्लॉलेस बनाएं, कैसे पिंपल्स, अपनी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को कैसे दूर करें। तो मैं उन सबको बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले आप अपना फेस वॉश चेंज करें, क्योंकि आपका फेस वॉश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी स्किन को बहुत अच्छा रखने के लिए। तो अगर आप भी अपनी फेस वॉश जो आप डेली यूज़ करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में बहुत सारे पिंपल्स की प्रॉब्लम आ जाती है, एक्ने की प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उन लोगों के लिए ये फेस वॉश बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स 100% नेचुरल हैं, सेफ़ हैं आपकी स्किन के लिए। इसे सारे स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अगर सेंसिटिव स्किन है आपकी तो भी आप इस फेस वॉश को यूज़ कर सकते हैं। इस फेस वॉश की मदद से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस हो जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स और सारे स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और आप इसको यूज़ करने के बाद आपकी स्किन पे आप बहुत जल्दी, इनफैक्ट आप फर्स्ट यूज़ से ही डिफरेंस देख पाएंगे, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगने लगेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरा चैनल आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, सबके साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच जाएं सबसे पहले। तो इस वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला इंग्रेडिएंट है ओट्स। ओट्स हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको इसे बिल्कुल फाइन पाउडर में पीस देना है। मैंने इसको ग्राइंडर की मदद से बहुत ही ज़्यादा फाइन पाउडर में अच्छे से पीस लिया है। हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है बेसन। बेसन हम बहुत सारे फेस मास्क में भी यूज़ करते हैं। उसके बाद हम इसमें लेंगे हल्दी। हल्दी में एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक तत्व होते हैं, जो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। उसके बाद हम इसमें लेंगे आमंड। आमंड में विटामिन ई होता है, जिससे ये बहुत ज़्यादा स्किन पे इफेक्टिव होता है, आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लैवेंडर एसेंशियल ऑयल। तो मैंने ये सनफ्लावर का बिल्कुल प्योर एसेंशियल ऑयल लिया है, और लैवेंडर आपकी दिमाग की नसों को काम डाउन करता है, आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको ये परचेज करना है तो आप अमेज़ॉन से इसको परचेज कर सकते हैं। ये 100% प्योर एसेंशियल ऑयल है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं अब आमंड्स को अच्छे से इसमें बारीक पीस लूँगी। आप देख सकते हैं, आपको बिल्कुल ऐसे ही पीस लेना है। ग्राइंडर में मैं इसलिए नहीं पीस रही हूँ क्योंकि आमंड बहुत ज़्यादा कम है, तो ये ग्राइंडर में अच्छे से नहीं पीस पाएगा। इसको आप बिल्कुल फाइन पाउडर में बना लीजिए। उसके बाद हम एक क्लीन कंटेनर में लेंगे हम अपना ओट्स का पाउडर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बेसन। मैंने इसमें बेसन करीब बड़ा टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून इसमें मैंने डाला है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी इसमें मैं 2 टीस्पून हल्दी डालूंगी। उसके बाद मैं इसमें आमंड डालूंगी, जो मैंने अच्छे से पीस लिया है। इसे अच्छे से मिला के इसमें पीस देना है। करीब आपको 1 टेबलस्पून आमंड डालना है। आमंड में विटामिन ई ऑयल होता है, जो आपके फेस को बहुत स्मूथ बनाता है। उसके बाद मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको मिक्स करना है, ताकि ये अच्छे से सब कुछ मिक्स होकर आपकी स्किन पर एक मैजिक की तरह काम करें। और ट्रस्ट मी, इट वर्क्स वंडर। बहुत अच्छे से आपको इसको मिलाना है। उसके बाद मैं इसमें 4 से 5 बूंदें डालूंगी लैवेंडर एसेंशियल ऑयल की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इस फेस वॉश को कम से कम 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और इन सारी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेना है आपको। आप जितनी अच्छे से इसको मिलाएंगे, उतनी अच्छे से आपकी स्किन पर वर्क करेगा, और आपको फर्स्ट यूज़ से ही रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैं इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाने के बाद इसको अच्छे से एक क्लीन कंटेनर में स्टोर कर लूँगी। आपके घर में जो भी क्लीन डिब्बा हो उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद उसमें ये फेस वॉश को रख लीजिए। आपका कंटेनर एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए, जिससे आपके सारे इंग्रेडिएंट्स सेफ रहें। तो अब मेरा ये इफ़ेक्टिव होममेड फेस वॉश रेडी हो चुका है, एंड इट वर्क्स वंडर। तो आइए जानते हैं कि हम इसको अपनी स्किन पे कैसे लगाएंगे, कैसे अप्लाई करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट।
तो मैं अप्लाई करने के लिए इस फेस वॉश को थोड़ा सा अपने हाथों में लूँगी, लगभग एक चम्मच आपको लेना है। आप इस मैंने जितनी क्वांटिटी में बनाया है आप इसको एक हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं, आपको बस एक चम्मच इसमें थोड़ा सा लेना है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है आपकी स्किन के लिए। अब इसमें हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे हल्का सा गीला हो जाए। उसके बाद इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला के अपनी स्किन पे आपको इसको अप्लाई करना है। इसमें यूज़ किया है हल्दी। हल्दी में एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक तत्व होते हैं जो आपकी स्किन को बैक्टीरिया और फंगल से बचाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों की स्किन में देखा होगा वाइट कलर के धब्बे, जिस वो बैक्टीरिया की वजह से हो जाते हैं, इससे आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा ये। मैं इस फेस वॉश को बहुत ज़्यादा टाइम से यूज़ कर रही हूँ और इसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है मुझे, तो मैंने सोचा इस फेस वॉश को मैं अपने सारे फॉलोअर्स के साथ शेयर करूँ, जिससे आप भी एक अच्छी और ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। तो इस फेस वॉश को मैं हर दिन यूज़ कर, तो आपको इस फेस वॉश को दो टाइम यूज़ करना है, एक तो मॉर्निंग में एक रात में सोने से पहले, एक अच्छे और बेहतरीन रिजल्ट के लिए। तो अगर आपने कोई भी अपने स्किन पर मेकअप किया हुआ है तो उसको हटाने के बाद ही आपको फेस वॉश करना है। आप कोई भी फेस वॉश करें, अगर आपकी स्किन पे मेकअप लगा हुआ है तो प्लीज़ उसको रिमूव करने के बाद ही करें। और एक मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जल्दी ही आने वाला है होममेड माइसलव वाटर पे, तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि बिना कोई केमिकल के हम अपनी एक अच्छा सा क्लेंज़र या फिर आप माइसलव वाटर हमें सजेस्ट करें घर पर बनाने के लिए, जिससे हम अपने बिना कोई केमिकल के अपने मेकअप को हटा के अपनी स्किन पे फेस वॉश यूज़ करें, जिससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस हो जाए, बहुत ज़्यादा यंगर लुकिंग बन जाए। तो मैं बहुत जल्दी ही वो वीडियो लेके आऊँगी और आपको बिल्कुल अच्छे से मसाज करने के बाद अपने इस फेस वॉश को ठंडे पानी से धोना है। तो मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है। ध्यान रहे आपको वार्म वाटर नहीं लेना है, आपको ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश करना है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपकी स्किन के लिए। ठंडे पानी से आपकी स्किन की जो पफिनेस होती है, आपके आईज़ के नीचे जो पफिनेस होती है, वो भी दूर हो जाती है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश लगती है। आप देख सकते हैं कि इसने मेरी स्किन पे कैसा वर्क किया है। बहुत ज़्यादा मेरी स्किन फ्लॉलेस लग रही है, बिल्कुल भी ऑयली और चिपचिपापन नहीं लग रहा है। आपका स्किन कोई भी टाइप का हो, आपकी स्किन ऑयली हो, ड्राई हो, सेंसिटिव हो या कॉम्बिनेशन हो, आप इस फेस वॉश को यूज़ कर सकते हैं और आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। आपको इसे दो टाइम ज़रूर से ज़रूर यूज़ करना है। अगर आप ट्रैवलिंग के लिए जा रही हैं तो ही आप मार्केट का फेस वॉश लेके जाएं। तो मेरी स्किन अभी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो चुकी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, आप अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर करें, जिससे वो लोग आपको थैंक यू बोल सकें। और मैं भी आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आगे से अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करें और बताएँ कि आगे से आपको कौन कौन सी वीडियोज़ देखनी है, आप क्या कौन सी वीडियो देखना पसंद करते हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।